ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांत्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु नवग्रहा शांति करा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आपके ग्रहों योग के अनुसार से मकर राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है, सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। सूर्य 13 अप्रैल को परिवर्तित की तरफ गए हैं और विशेष मेष राशि में रात्रि में 9:50 पर प्रवेश किया। 14 मई तक यहीं रहेंगे। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें, शनि प्रधान आपकी राशि है, लग्नेश है आपकी राशि के स्वामी हैं लग्नेश विशेष तौर पर और द्वितीय भाव में विराजमान है। और इस समय गोचर में परिवर्तन का जो योग बना है, सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान हो गए। बहुत सुंदर योग बना है आपके लिए। चतुर्थ भाव में सूर्य का विराजमान होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाना दिखाई दे रहा है। आपके वर्चस्व में सुख में कई प्रकार सूर्य मेष राशि पर उच्च के हो जाते हैं और उच्च का राग ग्रह जो है हमेशा शुभ हो जाता है। योग कारक भी माना जाता है कई दृष्टिकोण से। उच्च का ग्रह शुभ, कैसा ही पाप भी ग्रह हो उच्च का हो तो शुभ हो गया आप समझ लीजिए। और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से तो समझें मकर राशि वालों के लिए शनि भी शुभ है, शनि अशुभ है ही नहीं। तो आपके लिए तो बहुत सुंदर योग उदय होते हुए बृहस्पति के साथ, जो बृहस्पति हैं इन दिनों मेष राशि में चल रहे हैं, शनि से दृष्ट हैं लेकिन उदय हैं इन दिनों, विशेष तो अस्त नहीं है। अस्त होंगे जब यहाँ से राशि से परिवर्तन करके जाएंगे। सूर्य के साथ आमतौर पर ग्रह आकर अस्त हो जाते हैं तो अभी बृहस्पति अस्त नहीं होने वाले जब तक यहाँ चलने वाले हैं। बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, 7 मई को जाके अस्त होंगे। तब तक आप मान लीजिए जब तक बृहस्पति उदय है, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन गया है। सुख, जमीन जायदाद, लाभ के योग, सोने से योग लाभ, चांदी से लाभ के योग, कई प्रकार के लाभ के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई देंगे। और आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लें कि कई प्रकार से आपके लिए समय बड़े उन्नति का योग बन रहा है। इससे पहले राहु महाराज के साथ में सूर्य का ये योग बना हुआ था, ग्रहणकारी योग बना हुआ था, ये आपके कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहे थे, पराक्रम में कमी लाने के योग बना रहे थे, हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे में सूर्य राहु की युति चल रही थी, ये परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न कर रही थी। बने बनाए दोस्ती भी कई बार तोड़ने के योग बना देती। अब चिंता ना करें, 13 अप्रैल को सूर्य ने परिवर्तन करके सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से लाभ के योग प्रशस्त करने की, उम्मीद जगाने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनाने की स्थिति उत्पन्न करी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी लोह धातु से खतरा है, लकड़ी से भी विशेष तौर पर, लोह लकड़ी के काम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करना आपके लिए बहुत सरल है। शनि महाराज की दृष्टि क्योंकि बृहस्पति पर और सूर्य पर दोनों पर पड़ रही है, शनि आपके शुभ योग बना रहे हैं, शुभेश हैं क्योंकि लग्नेश हैं तो इसलिए शुभ हो जाते हैं, राशि के स्वामी हैं शुभ हो जाते हैं। और ऐसे में ये बात समझ लें, अगर आपका लग्न भी मकर है तो आप शनि से चिंता करने की जरूरत ना करें, लेकिन शनि की दृष्टि हमेशा कष्ट देती है और शनि की दृष्टि सूर्य और राहु पर, सूर्य पर और बृहस्पति पर दोनों पर पड़ रही है, तो उसका उपचार करना थोड़ा बहुत ही करना आपके लिए अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल दें, थोड़ा तिल डालकर, सूर्य को थोड़े से काले तिल डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर, एक पीला पुष्प लेकर ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए नित्य प्रति जल देने का, अर्घ देने का उनको आप व्यवस्था अवश्य बनाने का प्रयास करें। इससे आपके सूर्य का पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 14 मई तक सूर्य यहाँ चलने हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि तुला सिंह राशि जो है आपके अष्टम भाव में आती है। अब मेन तो ये भी देखना पड़ेगा इसके अंदर कि राशि कौन सी है और लग्न में क्या प्रभाव पर योग बना रहे हैं। यदि आपकी लग्न और राशि दोनों एक है तब तो ये बहुत सुंदर योग है, लेकिन अगर लग्न कुछ और है और तब जाकर उसको भी अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसको समझ लेना चाहिए। गोचर का प्रभाव बहुत विशेष होता है लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ग्रहों का योग कहाँ आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यदि हम मकर राशि को मान लें कि लग्न और राशि दोनों एक हैं तो उनके लिए तो ग्रह बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं, क्योंकि लग्नेश शुभ हो जाता है, शनि की दृष्टि भी ऐसे में बहुत ज़्यादा अशुभ करने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो उनके लिए तो आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, 7:30 चल रही है, 7:30 आपको थोड़ा कष्ट दे सकती है। 7:30 का उपाय लगातार आप करने का प्रयास करें और सबसे बढ़िया 7:30 का उपाय जो है हमारे अनुसार से आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखना,
चोट एक्सीडेंट से बचने का प्रयास करें उसके लिए तुलादान करवा दें, हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कर लें, क्योंकि अभी साढ़े साथ ही आपकी जो है करीब करीब एक वर्ष चलनी है। लेकिन सूर्य का परिवर्तन बृहस्पति के साथ शुभ योग ये आपके लिए इस महीने बहुत सुंदर है, आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला है, सुख को लाने वाला है, पदार्पण कराने वाला है, तो अच्छे से इस समय का जो उपाय बताए हैं उनको करते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से पहले काल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्री, हजारों जन्मपत्री, लाखों जन्मपत्री देखे हैं, और बहुत सारे लोग यही बात आगे कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियाँ कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वह दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया, उसका उपचार सही समय पर कर ले। जैसे किमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है, तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के क्या 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है, लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं है। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको किमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आए, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये उपयोग ये प्रैक्टिकल उपाय है, इसको आप उपाय कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखियो क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए, ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझ कर विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझ कर, उनकी दिशाओं को, अंतर दिशाओं को समझ कर यदि कार्य किए जाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है। और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और आपके अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं, यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बर जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पर प्रतिष्ठित की गई है। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है, इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करें। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब जन्म एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं ना मालाएं पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि होड़ लगी हुई है लोगों में, वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूँ, इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है शास्त्र के सम्मत हैं उस पर बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं
आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर, सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पर उपस्थित रहा और बहुत समय समय पर रहता भी हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पर सत्य को, ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़े, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सबका अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा हमेशा, ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदार चलाते हैं, कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपये के उस पुखराज पत्थर को पहनने की। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारी जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणे ज्ञान मुद्राए कृष्णाए गीता मृत्युए नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था इसी ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर के विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100-100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं जमीन के अंदर डाल देते हैं। जमीन के अंदर डालते हो तो जमीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति और उसके बाद आपने उसको जमीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, जमीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें, आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।